उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 मुस्लिम फकीरों के साथ अभद्रता का वीडियो सामने आया है। यहां पर एक युवक ने इनसे जबरन श्री राम के नारे भी लगवाए। कानपुर हिंसा का जिक्र करते हुए इन्हें आतंकवादी भी कहा, इनसे उठक बैठक भी करवाई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये फकीर नहीं बल्कि एक मुस्लिम युवक थे जो फकीरों के वेश में गांव में घूम रहे थे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गोंडा के खगूरपुर डिंगरू गांव का है। यहां 2 युवक और एक बुजुर्ग भीख मांगने के लिए घूम रहे थे। एक युवक उन्हें रोक लेता है और पहले उनसे उनका नाम पता पूछता है। नाम पता सही न बताने पर आधार कार्ड मांगता है, लेकिन फकीर आधार कार्ड दिखाने को तैयार नहीं होते तो युवक भड़क जाता है। डंडा लेकर फकीरों से कान पकड़कर उठक बैठक करवाने लगता है। युवक इनसे जय श्री राम के नारे भी लगवाए, गांव में फिर से ना घूमने की धमकी दी। गांव के दूसरे लोग भी युवक के सपोर्ट में दिखाई दे रहे थे। इस घटना का वीडियो गांव के किसी एक व्यक्ति ने बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।